मित्रों, इस चैनल का उद्देश्य आप सभी शिव भक्तों को शिव तत्व से अवगत कराना है। यदि मेरे उच्चारण में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। आप सभी शिव भक्तों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद पुलत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं की आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम उस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमयी देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्याकृत अमल निष्कल निरूपद्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे, यह अग्निस्थान यहां कहां से प्रकट हुआ है, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश में युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह से परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म रूप महादेव जी ही यहां प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहे अथवा अचिंत्य रुद्र है, जहां जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौटाती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप है। वह परम कारण श्रत सत्य
आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी यानी बीज मात्र के स्वामी है और अकार संज्ञक मुज ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीज प्रकट हुआ तो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह सूर्यमंडल अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर की आघात से ही फूटकर दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कमल स्वर्णमय कपड़ा बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं धुलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वहीं यह 5 लक्षण से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद की श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर चर्चाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे हे ब्रह्म यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति पुरपुर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से अभिमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रम और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तदपश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो। अकार उनका मस्तक
और आकार ललाट है, इकार दाहिना और ईकार बाया नेत्र है, उकार को उनका दाहिना और ऊकार को उनका बाया कान बताया गया है। श्रकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और श्रकार बाया, लु और लू ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार उधर, ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अंग और अहा उन देवादिदेव चूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि पांच अक्षर उनके दाहिने पांच हाथ हैं और च आदि पांच अक्षर उनके बाएं हाथ, त आदि और त आदि पांच पांच अक्षर उनके पैर हैं, पकार पेट है, पकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बाया पार्श्व, भकार को कंधा कहते हैं, मकार उन योगी महेश्वर शंभु का हृदय है। य से लेकर च तक सात अक्षर सर्वव्यापी शिव की शब्दमय शरीर की सात धातुएं हैं। आकार उनकी नाभि है और शकार को मेढ़ु यानी मुतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप महात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें पांच कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तदपश्चात महादेव जी का ओम तत्व समी यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ जिसमें 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तदपश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार पांच मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर श्रप यजुह और सांप ये जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुरु सदाशिव है, जिनके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। बोलो ओम नमः शिवाय।